अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये देखें आज हम पार्क आए हैं। ये देखें ये मेरा छोटा सबसे जो है, और ये आगे देखें ये वाला, ये चाचू है। इसको थोड़ी सी आज छुट्टी थी तो चाचू कह रहे थे कि चलें पार्क चलें। ऊपर मौसम जो है बहुत प्यारा बना हुआ था, जिस वजह से मेरा भी दिल कर पड़ा कि चलें आज हो ही आते हैं। तो हम पार्क आए तो आगे तो पार्क बिल्कुल खाली नज़र आ रहा था, पार्क में तो कोई बंदा नज़र ही नहीं आ रहा। देखें सारे के सारे झूले भी खाली हैं, और मेरे ख्याल में नीचे कीचड़ है बारिश की वजह से, जिस वजह से कोई नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। बारिश की वजह से कोई बंदा नहीं आया यहाँ पे, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चल रही है। और ये दो बेचारियाँ मेरे ख्याल में ये भी घर से फारग हैं, जो आ गई हैं इधर पार्क घूमने के लिए, जिनको घर में कोई काम नहीं होता मेरे ख्याल में, वो आ जाती हैं पार्क में घूमने के लिए, थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए। फ्री होती हैं, जहरी बात है, फिर उनका भी दिल करता है कि चलें पार्क घूम आए आज थोड़ा। तो ट्रैफिक अपने मामूल के मुताबिक चल रही है। तो ये देखें ये बहुत खूबसूरत सा बैठने के लिए बनाया हुआ है पार्क में, यहाँ पे तीन तीन बेंच लगे हुए हैं अंदर, बहुत प्यारे प्यारे। इधर बैठने का भी, बैठ के कुछ खाने पीने का बहुत मज़ा आता है खासकर। वैसे पार्क तो छोटा सा है लेकिन है बहुत प्यारा। आप आएंगे किसी दिन, आप आएँ, ये रावल पार्क है इधर चांदनी चौक के पास रावलपिंडी में। इधर साथ ही ASF का कैंप भी है, बहुत प्यारा सा बना हुआ। आप किसी दिन आएँ, चक्कर लगाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। छोटा सा पार्क है लेकिन बहुत प्यारा बना हुआ है। ये देखें अभी हम जा रहे हैं क्रिकेट ग्राउंड की तरफ, और ये बीच में छोटे छोटे इन्होंने लगाए हुए हैं स्टैचू वगैरह बना के लगाए हुए हैं, ये देखें बच्चों के खेलने के लिए। जब हम क्रिकेट ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, आपको क्रिकेट ग्राउंड दिखाते हैं, बहुत प्यारा क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है। यहाँ पर मैचेस भी होते हैं, क्लब वगैरह खेलते हैं, और मुख्तलिफ क्लबों के इधर जो है वो नेट होते हैं। ये आपको शायद नज़र आ रहा हो, मेरे ख्याल में हम काफ़ी दूर खड़े हैं इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये नेट वगैरह लगे हुए हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन भी होती है, बच्चे वगैरह प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर क्रिकेट की। और ये देखें हम क्रिकेट ग्राउंड में आ चुके हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है, सारा ग्रीन ग्रीन घास इसमें लगा हुआ है। और ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाली है स्टेज बनी हुई है, कोई मेहमान वगैरह आता है मैच के दौरान तो मेहमान को बैठाने के लिए ये स्टेज बहुत प्यारी बनाई हुई है इन्होंने, और बहुत प्यारा ग्राउंड है। और यहाँ से मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये नेट वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे, ये नेट है जहाँ पे लोग क्रिकेटर वगैरह जो रजिस्टर होते हैं खिलाड़ी, वो यहाँ पे आके नेट वगैरह करते हैं। लेकिन आज बारिश है जिस वजह से कोई बंदा जो है यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। और मैंने भी देखा कि आज पार्क खाली है, चले खाली पार्क का फ़ायदा उठाया जाए और अच्छा सा एक मिलाग जो है वो तैयार किया जाए। ये आप देख सकते हैं मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है, ये देखिए मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाता हूँ। ये साइडों पे आप आती है घर हैं बहुत प्यारे प्यारे बने हुए, और घरों के ऊपर भी चढ़ के लोग जो है पार्क इंजॉय करते हैं। ये देखिए मैं आपको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, ये आप देख सकते हैं बहुत प्यारा पार्क बना हुआ है माशाल्लाह। आप कभी कभी टाइम लगा तो ज़रूर आइएगा इस पार्क में, चक्कर लगाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये इसका मेन रास्ता है, ये देखें ये मेन रास्ता है इसका, जहाँ से लोग आके गुजर के जाते हैं अपनी अपनी मंजिल की तरफ। और ये जो रास्ता, ये बायर गेट की तरफ रास्ता है, ये गेट बना हुआ है उसका बहुत प्यारा। ये रावल पार्क है, मैं आपको दोबारा नाम बता देता हूँ, रावल पार्क है। किधर जा रहे हो आप? इधर आओ वापस, अभी तो मैं इधर खड़ा हूँ, आप आगे चले भी गए हो, हैं सबर करो, इधर आओ, चलते हैं वापस। ये आप चाचू किधर जा रहे हैं? चाचू को भी इधर वापस बुलाएं। और नाजरीन एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, ये जहाँ पे स्टेज बनी हुई है इस पार्क के ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड के साथ जहाँ पे स्टेज बनी हुई है, यहाँ पे इसके साथ स्टेज की पिछली साइड पे ये बैडमिंटन का ग्राउंड भी छोटा सा बना हुआ है, बास्केटबॉल का भी बना हुआ है यहाँ से, और एक फुटबॉल का ग्राउंड बहुत प्यारा सा बना हुआ है। आपको कभी दिखाऊंगा उस दिन, उस साइड पे मैंने चक्कर लगाया, अभी तो बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता बारिश जो है वो स्टार्ट हो रही है। और हम भी निकलते हैं अभी, क्योंकि बारिश की वजह से फिर घर नहीं हम पहुंच सकेंगे, अगर घर पहुंचे तो आपको पता है ठंड है बहुत ज़्यादा,
और सर्दी की वजह से बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए अभी हमें भी निकलना चाहिए। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, बहुत अच्छा व्लॉग बनाएंगे आपके लिए किसी और पार्क में जाके। ये देखें अभी हम गेट की तरफ जा रहे हैं और गेट जहाँ पे इंटरनेस है वहाँ पे ये देखें बहुत प्यारी प्यारी उन्होंने डक्स लगाई हुई हैं, हैं तो पत्थर की लेकिन बहुत प्यारे प्यारे इन्होंने शुतुरमुर्ग टाइप लगाए हुए हैं। ये बहुत प्यारे लगते हैं जब गेट से अंदर बंदा एंटर होता है। ये देखें ये इस साइड पर भी लगे हुए हैं और दोनों साइडों पर लगे हुए हैं ये देखें, और बहुत प्यारा इन्होंने जो है ना वो सीन बनाया हुआ है गेट से जब एंटर होता है बंदा। तो अभी बारिश थोड़ी तेज़ हो गई है, हम जो है जाने लगे हैं घर। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको नेक्स्ट व्लॉग में हम कोई और पार्क है उसकी विज़िट करवाएंगे, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।